ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੜਾਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। साथ न चले बिन भजन बिखिया सगरी छार हर हर नाम कमावना नानक एह तन सार हर जस रे अवसर पीते हो जात है कहो मान ले मेरो कहो मान ले मेरो हर जस रे मनाता है हर जस रे संपत रथ धनराज सो अपने लगा काल मास जब गल परी मास जब गल परी सफल भयो परायो हर जस रे मना गाए हर जस रे मना गाए जो संगी है Yeah.
ਵੇਦ ਗੋਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ ਜੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਜਸਰੇ ਮਨ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਤੋ ਯੇ ਤਸਵੀਰੇ ਆਪਕੋ ਲਾਈਵ ਹਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਕਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਹੈ और 25 एकड़ में समागम स्थल में पंडाल बनाया गया। बहुत बड़ा ये पंडाल है और कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इसमें शिरकत करने वाले। सांसद संजय भाटिया कार्यक्रम में शामिल होंगे और खेल मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। तमाम विधायकगण इसी के साथ साथ मंत्रीगण भी इसमें शामिल होंगे। जर्मन तकनीक से पंडाल तैयार किया गया है। 25 एकड़ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन ने पार्किंग से पंडाल तक आने के लिए रूट मैप भी तैयार किया है। इसमें सेक्टर 13-17 और साथ रोड से 2 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और साथ ही समागम स्थल के सामने वाहनों की एंट्री भी करवाई जा रही है। तो पानीपत में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव का की शुरुआत हो चुकी। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप भीड़ देखिए, बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे हैं और कई संगतें यहां पर पहुंची है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फोर्स के साथ 8 ड्रोन पंडाल पर नजर रख रहे हैं, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये मंच सजाया गया है यहाँ पर और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं दूर दूर से। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसका खास ख्याल रखा गया है। पार्किंग से ही रिक्शा की मदद श्रद्धालु ले सकते हैं। इसके अलावा गुरु का अटूट लंगर भी यहाँ पर लगने वाला है। आपको हमने शुरुआत के समय भी तस्वीरें दिखाई थी तो यहाँ पर लंगर भी लगेगा। हालांकि समागम में गुरुद्वारों में सुबह 6 बजे परिक्रमा का कार्यक्रम चल पड़ा है, शुरू हो गया था। और आपको ये बता दें कि प्रदेश भर से करीब 2 लाख लोगों की संगत आने का अनुमान है। इसके लिए 25 एकड़ में समागम स्थल में पंडाल बनाए गए हैं और साथ ही साथ संगत के लिए 7 एकड़ में पार्किंग भी बनाई गई है। प्रशासन ने पार्किंग से पंडाल तक आने के लिए एक रूट मैप भी तैयार किया है। तो 2 पंडालों में एक साथ 5,000 लोग लंगर भी चख सकेंगे। आज लंगर भी यहाँ पर लगेगा और 2 पंडाल बनाए गए हैं। 2 पंडालों में एक साथ आप समझिए कि 5,000 यानी कि टोटल 10,000 लोग। तो प्रकाश पर्व के दाएं और बाएं 2 पंडाल बनाए गए हैं। फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होने वाला है, हो रहा है। और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसमें शिरकत करेंगे। अब से बस कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मंत्री होंगे, तमाम विधायक होंगे और उत्तराखंड के राज्यपाल भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। खेल मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से अधिकारियों समेत करीब 2,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी तैनात की गई है। इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी पुलिस है, CID भी है और बाकी सुरक्षा बलों की टीमें भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंची हुई है। कड़ी निगरानी हराने जाने वाले पर भी रखी जा रही है। आसमान से 8 ड्रोन भी कैमरे सुरक्षा के मद्देनजर नजर रख रहे हैं और पंडाल में 3 ओर से आपातकालीन द्वार भी बनाए गए। 3 तरफ से ये आपातकालीन रास्ते भी है और रंग बिरंगी रोशनी से भी सेक्टर 13 और 17 सज चुका है। प्रकाश उत्सव पर सेक्टर 13-17 को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। फूल आप देख सकते हैं, रंग बिरंगे मंच सज चुके हैं और लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे हैं। GT रोड से सेक्टर 13-17 के मोड़ चौक से लेकर समागम स्थल तक और यहां से यमुना एनक्लेव के गेट नंबर 2
तक हर पेड़ पर लाइट की लड़ियां भी लगाई गई है और आप मंच को भी देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल है और रंग में रंग चुका है इस वक्त पूरा पानीपत।